ଏ ପାଚିଲା ସୁନା କ୍ଷେତକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ପାଚି ଅମଳ ହେବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ମଳୟ ପବନରେ ଟହଲୁଛି ଧାନ କେଣ୍ଡା ଆଉ ଏହାକୁ ଯିଏ ଫଳାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି माइनिंग इंजीनियर श्रीनिवास कटक मैं एन में माइनिंग इंजीनियर किया हूँ उसके बाद मैं बीच में सोचा था जॉब में तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहे उसके लिए दो प्रॉब्लम मेरे सामने आया फर्स्ट मुझे खाना के लिए बहुत दिक्कत हुआ था यहाँ पे क्योंकि मैं लोकल लाइट नहीं हूँ और दूसरा हुआ था मेरे को थोड़ा एलर्जी भी है डस्ट पॉल्यूशन एलर्जी है मेरे पर तो माइंड्स में जाएगा तो जरूर पॉल्यूशन एलर्जी ये होगा तो वैसे होता दूसरा कुछ ऑप्शन देखेंगे सो सबसे ऑप्शन मेरा सामने आया था खाना राहुल केला एनआईटी रु उच्च शिक्षा लाभ करतिवा श्रीनिवास एबे जने चर्चित तो चासी निजे क्षेत्र रे खटुछंती औ अन्य मानों को नुआ नुआ कथा सिखाउछंती माइनिंग इंजीनियरिंग रे उच्च शिक्षा लाभ करतिवा श्रीनिवास ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପରି ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ପାଇଁ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇ କାହିଁକି ମାଟିରେ ମାଟି ହୋଇ ଖଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ ରାଉରକେଲା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ଼୍ ପବନ ତିୱାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ଆଧୁନିକ ଚାଷୀ ଯିଏ ଫଳାଉଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଧରଣର কাম করে সে খুশি রহে কিন্তু তথাপি আমার আপ রাজ্যের চাষি আত্মহত্যা দিনকু দিন বড় লাগি চাষি আত্মহত্যা উপরে রোক লাগি পুনা তেমন আমি জন চাসি চাষী অনেক চাষী কে ভুল হব কিনা সে পাঠুয়া এনআইটি রে পাআউট राउरकुला एनआईटी रू पास आउट है कहीं से चाष प्रति मन बढ़ाएँ तक घर तेलंगाना जिले तेनाली कथबार आलोचना कराया कौन रही है घटना सबसे पहले आपको ओ टीवी में स्वागत जानना चाहेंगे कि आप एन आई टी में पासआउट हुए फिर खेती क्यों किए तो हम लोग सोच रहे थे कि हर वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है फूड और सबसे बेस्ट बिजनेस भी है फूड तो पिछले 10-15 साल से देखने से आ, फार्मर्स का सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सोचने से पीछे जा सोचने से वो लोग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्रेडिट में और उसका प्रोडक्ट निकल नहीं पा रहे और पेस्ट कंट्रोल नहीं हो पा रहे वो कहाँ से हुआ तो हम लोग पाँच साल एक साल पहले जाने से वो कोई कभी केमिकल यूज़ नहीं किया तो उन का प्रोडक्शन भी अच्छा था आदमी भी हेल्दी था और कोई भी कुछ सुसाइड उसाइड का कुछ नहीं था फार्मर लोग का अच्छा वेल्दी था तो हम लोग बीच में क्या हुआ पंद्रह बीस साल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से वो लोग प्रोडक्शन नहीं आ रहे नहीं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो के वो लोग का पैसा नहीं निकल के आत्महत्या भी हो रहे है और सबसे अच्छा हम सोचा था कि ये सुभाष पालाकर जी जो है जेड बी एन जो किया था पद्मश्री अवार्ड मिला था उनको उसने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत साल रिसर्च किया और वो बताया गया था अगर नेचुरल चासी जो है उसका कुछ खर्चा नहीं है ज़्यादा खाली मंजी चाहिए वो मंजी हम लोग हर साल यूज़ कर सकते जैसे बाहर में जो दुकान में मिल रहा है वो तो एक ही साल में ख़राब हो जाएगा जो अपना जो देसी मंजिल है जो भी हमारा देश के अंदर है वो सब अपने आप रिजेनरेट हो जाएगा अगले साल भी जस्ट लाइक ए फॉरेस्ट तो उसी के हिसाब से मैं भी सोचा था हम भी कुछ चास करेंगे जो बिना केमिकल का और ये हम लोग जो अभी दान चाश कर रहे हैं इसका नाम है नवारा है और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशल राइस है हम लोग इसको साबरमती मैडम से कांटेक्ट करके अशोक जी से लिया सुंदरगढ़ से और इसके साथ साथ तो हम लोग और भी प्रकार का देसी चास कर रहे हैं काला नमक काला माली फूल और गोर्धन तो ये जो जगह अभी मैं चाश कर रहा हूँ ये दालपोस का है बिश्रा ब्लॉक का किसपोटा फैमिली के साथ मिलके मैं चाश कर रहा हूँ उन लोग के साथ मिलके उन लोग जमीन से और ये गांव में कम से कम 10 से 12 प्रकार का देसी चावल चाश हो रहे किंतु उसका कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पर लोगों को पता भी नहीं चल रहा उसका वैल्यू क्या है और खाली केमिकल का ऊपर आदमी अभी जाने के लिए रेडी है कुछ लोग जा चुके हैं अलग कुछ लोग आधा चास केमिकल में हो रहे है आधा चास नेचुरल हो रहे है जो नेचुरल जो हो रहे वो लोग अपना घर के लिए रख रहे हैं जो केमिकल वो लोग बिक्री के लिए रख रहे हैं तो मैं ऐसे क्यों ऐसे क्यों ऐसे मानसिकता क्यों क्योंकि आप अच्छा खाएंगे लेकिन जो बाकी को देंगे वो केमिकल में ऐसा क्यों वो लोग को पैसा चाहिए घर चलाने के लिए तो नेचुरल चासी में उतना डिमांड नहीं है इधर उसके बारे में पता नहीं तो डिमांड नहीं है डिमांड नहीं है तो कोई भी नहीं खरीद दे वो लोग के पास अगर उसका जो रेट मिला तो नहीं मिल रहा है तो उसी वो लोग अपना घर के लिए जो है हेल्दी खाना खा रहे और बाकी लोग का ब्लॉक से लेके आ रहे और जो दवा आदमी बोल रहे दुकान वाला बोल रहे फर्टिलाइजर वाला बोल रहे उसी के हिसाब से वो लोग चल रहे अच्छा आप जो धान किए हैं ये जो धान के अंदर आप एक एक फीट का गैप रखे हैं ये डायबिटीज़ के लिए स्पेशल है ऐसे तो धान हमारे देश में भी होता है राज्य में भी होता है डायबिटीज़ के लिए भी चावल हो रही हैं लेकिन आप में ये स्पेशलिटी क्या है मैं एक्चुअली क्या कहना एक गच्छ हम लोग रखा है एक एक जगह एक गज या दो गज ज़्यादा से ज़्यादा रखा है क्योंकि जिसका अगर आ, हम लोग का एक शब्द है वापसा बोल के वो क्या है ना गच गच का बीच में जो एरिएशन होते हैं उसका बोलते हैं वापसा बोलते हैं जब एरिएशन ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा हर गच को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने से उसका पेस्ट कंट्रोल होगा एक और उसका गाछ भी अच्छा मजबूत बनेगा तो इसलिए हम लोग थोड़ा तो डिस्टेंस में रखा और प्यारले हम लोग और एक चीज़ क्या हो रहा है इसमें घास निकालने का ईजी हो रहा था हम लोग कोनाविडर का इस्तेमाल किया और रोप रख के पूरा लाइन लाइन में रखा गया नहीं तो मैनुअल प्लांट आजकल मिल रहे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाया तो हम लोग रोप में लाइन खींच के उसके हिसाब से रखा था और इसका बीच में दोनों साइड लंबा और चौड़ा दोनों साइड में हम लोग कोना मीटर यूज़ किया ताकि जो भी घास हो रहे उसको हम लोग खाद का रूप में बनाया गया तो इसीलिए हम लोग का एक एक गाछ में हम लोग का चालीस तक गाछ आया एक गाच में एक मंजिल से चालीस गज चालीस गज निकला ये एरिया अराउंड आधा एकड़ जमीन है मैं डेढ़ किलो मंजिल लेके गया था तो उसी में हो गया मेरा डेढ़ किलो मंजिल में आधा एकड़ का छाश हो गया और काफ़ी अच्छा ही है ये क्राफ्ट साल से ये कर रहे हैं आप ये धान का खेती मैं यहाँ पे दो साल से चाश कर रहा हूँ फर्स्ट मेरा अपना एक रेस्टोरेंट है एनआईटी के अंदर में उसके लिए मैं कोशिश किया था आ, कुछ दिन में रेस्टोरेंट चलाने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया जो मैं गाँव में सब्जी बना था वो मेरे को उतना फ्लेवर नहीं आ रहा उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एक तो मिट्टी का रीज़न हो सकते हैं दूसरा पानी और तीसरा होगा क्या सब्जी आप यूज़ कर रहे हैं क्या आप पेस्सेड यूज़ कर रहे हैं हम लोग जब घर में बनाते खाना उसमें बिना केमिकल का यूज़ करते हैं जैसे हर कोई जो गाँव में अपना अपना घर के अंदर जो सास करते उसी के हिसाब से मैं सोचा था यहाँ पे मैं अपना कस्टमर को मैं दे दूंगा बिना केमिकल का खाना तो मेरे पास कस्टमर रिटर्न भी हो जाएगा मेरे को फ़ायदा भी मिलेगा और साथ ही साथ एक दो आदमी सीख भी सकते मेरे से और मैं जब यह गांव के अंदर आके पता किया बहुत ज़्यादा आदमी यहाँ पे केमिकल यूज़ नहीं कर रहे किंतु वो किसी को पता नहीं चल रहे जब यहाँ का जो औरत लोग चाश कर रहे वो लोग से बात करने के बाद एक एक के बाद एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है और लोग मेरे को उन लोग का पुराना जो टेक्निक आदिवासी लोग का वो टेक्निक मेरे को समझा रहा है तो मैं सोचता मेरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज़ करूंगा वो लोग का आदिवासी जो पहला का जो सिस्टम था वो लोग का टाइम टेबल फॉलो करके करने से अच्छा होगा बोल के सोचा था पिछले साल तो हम लोग का पूरा खराब हुआ वाटर का प्रॉब्लम हुआ था और मेरे को पता भी नहीं चला था और ये वाटर थोड़ा कम रहने से अच्छा होगा ये धान तो इसलिए हम लोग ये जगह इस बार अच्छा है अभी अभी काफ़ी अच्छा है लास्ट ईयर से थ्री बेटर है अगले साल और अच्छा होगा क्योंकि हम लोग और भी थोड़ा ये करेंगे और साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या हुआ ये जमीन बहुत साल के लिए काली पड़ा था तो हम लोग जीवामृत अमृत दे के उसको थोड़ा सा एनर्जी रेनोवेट कर रहे जीवा अमृत देने से दो तीन साल के अंदर पूरा फर्टल हो जाएगा जमीन तो कुछ केमिकल का ज़रूरत नहीं सबसे पहली बात है आप जैसे एन में पास आउट हुए एन में आप कौन सा डिपार्टमेंट में थे आप क्या पढ़ रहे थे एन में उसके बारे थोड़ में थोड़ा जाना मैं एन में माइनिंग इंजीनियरिंग किया उसके बाद मैं बीच में सोचा था जॉब में तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहे उसके लिए दो प्रॉब्लम मेरे सामने आया फास्ट मुझे खाना के लिए बहुत दिक्कत हुआ था यहाँ पे क्योंकि मैं लोकलैट नहीं हूँ और दूसरा हुआ था मेरे को थोड़ा तो तो एलर्जी भी है डस्ट और पॉल्यूशन एलर्जी है मेरे पास तो माइंस में जाएगा तो जरूर पॉल्यूशन एलर्जी ये होगा तो मैं सोचता दूसरा कुछ ऑप्शन देखेंगे सो सबसे ऑप्शन मेरा सामने आया था खाना क्योंकि हर चीज़ हर आदमी हर जन्म के लिए सुबह उठेगा उसको भूख लगेगा खाना चाहिए सबसे पहले में दिमाग में एक बात आता है कि मतलब कि आप जैसे एन में पास आउट हुए हैं आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो कि एन में पास आउट होने के बाद अभी लाखों रुपये का सैलरी मिलता होगा आराम से ज़िंदगी अतिवाहित कर सकते हैं शादी होगा बहुत सारा सपना रहता है लेकिन आप अगर खेती करेंगे तो बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी खेती में आ, मैं सोचता कुछ दिन के लिए मेहनत करेंगे और चार पाँच साल के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा हम चार पाँच साल से मेहनत कर रहे हैं और अभी थोड़ा ठीक लग एकेडमिकली उतना स्ट्रांग नहीं बट मॉरली और मेरे को फिजिकली बहुत अच्छा लग रहा है और तीन चार साल के अंदर वो भी जो एकेडमिकली सोच रहा था वो लेवल में आ जाता मैं नहीं आने से इसके इसके अलावा और क्या क्या खेती क्या प्लान करें और क्या क्या करेंगे चास क्या करेंगे हम लोग ऐसे सिस्टम में किया था अगर एक आदमी एक घर वाला है उसका अगर चार पांच डेसिमल जमीन है उसका अंदर में सब कुछ अपना घर के लिए जो सामान चाहिए सब कुछ अपना चास कर सकते हैं घर के लिए जो पहला चलता था हम लोग का कई साल से चल रहा था अनादि से वही करना चाहता था मैं और हम लोग मेरा रेस्टोरेंट का जो चाहिए था उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल वेजिटेबल मैं जनरेट कर रहा था हम लोग के खेत में और उसके साथ साथ मेरा हम लोग के पास स्पेशल है हम ले गया था कस्तूरी हल्दी बोल के एक तो मेरे को फार्मर दिया था रामुलू बोल के हम लोग का जगह से वो मेरे को गिफ्ट में भेजा था मेरा आइडिया सुन के उसको काफ़ी अच्छा लगा वो मेरे को गिफ्ट में दिया था वो आपका मेडिसिन में यूज़ हो रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं उसका नाम कस्तूरी हल्दी है और एक हम लोग सीड अभी जनरेट कर रहे हैं कस्तूरी हल्दी का और लेमन रस का लेमन रस भी एक अच्छा चीज़ है और अभी तो अब करोना के टाइम में सुन रहे हैं लेमन रस का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया तो पहले से तो हम लोग का था तो उसको यूज़ नहीं किया था इसलिए किसी को पता नहीं था हम लोग का जो रेगुलर जो चाय का कॉन्सेप्ट चल रहे है पहला कोई चाय नहीं था दूध का चाय चाय था जो लाल चाय या देसी चाय जो था वही चल रहा था तो मैं सोचता थोड़ा सा वापस जाएंगे वापस जाने से काफ़ी अच्छा लग रहा है और लोगों को भी वापस आ रहे धीरे धीरे आदमी आ रहे वापस पुराना खाना खा रहे हैं पुराना जैसे सिस्टम फॉलो कर रहे तो जैसे आ, कुछ कुछ समय पहले बात कर रहे थे आजकल हर घर में अगर पांच आदमी है तो उसमें से दो आदमी डायबिटीज पेशेंट है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे खेती में उसमें एक्चुअली मैं जो नॉलेज में टेक्निकली सीखा हूँ और पढ़ा हूँ और वीडियोज़ में जो देखा हूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है पेस्टसाइड से कोई भी आदमी का जो तबियत खराब हो रहा है पेस्टसाइड से तो उसमें क्या हो रहा है ना आपको चार पाँच चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करना था किंतु तो गवर्नमेंट कुछ जगह स्टैंडर्ड कर दिया रिफाइंड यूज़ करना है रिफाइंड आइल रिफाइंड फ्लोर जो भी है रिफाइंड वाला यूज़ कर रहे आप अगर चीनी को लेने से चीनी बहुत अच्छा चीज़ है जैसे गुड़ खाने से बहुत अच्छा चीज़ है हज़ारों सालों से आदमी गुड़ क्या कहा था हमारे देश में किसी को कुछ डायबिटीज़ नहीं होता अभी चीनी कहा है जो चीनी ब्राउन कलर का जो होता है ओरिजिनल चीनी है उसको दो बार तीन बार पॉलिश करके सफ़ेद बना बनाकर उसमें दो तीन बार केमिकल यूज़ कर रहे वही सबसे मॉर्निंग में हम लोग यूज़ कर रहे चीनी फर्स्ट और उससे पहले भी और भी खतरनाक वाला चीज़ है पेस्ट मैं पिछले अठारह उन्नीस महीने से मैं पेस्ट छोड़ दिया हम ब्रश करेंगे तो कुछ गच का ही करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे नहीं मिट्टी का करेंगे नहीं। नहीं। वो हम फैसला कर दिया और मेरा घर में लगभग दो साल से वो सोचा पिताजी और सब कोई मेरा घर में जितना भी परिवार है छोटा बच्चे से बड़ा तक सब कोई खाली दांत कट्टी नहीं तो कुछ पाउडर करके अपने से पत्ता का ये कर रहे हम पूरा पेस्ट छोड़ दिया उसमें क्या है ना एक तो फील आ रहे जैसे पहला का फील आता था आपको कभी भी नीम का भी गच दातुल करने से भी आपको फील आएगा फ्रेश जब कोलगेट कीजिए क्लोजअप जो भी ब्रांड का कीजिए उसमें फोर्टी परसेंट शुगर है फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट तो सबसे पहले आपका बिना कुछ खा के फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट शुगर जा रहे वो ग्लूकोज को शरीर संभल नहीं पा रहा है हमारा तो इसीलिए डायबिटिक हो रहा है अच्छा सबसे उस लास्ट जानना चाहेंगे कि आपका एम क्या है फ्यूचर में जो जो आपको देख रहे हैं ओटी माध्यम से जो देख रहे हैं जो जो किसान है उसको आप क्या बोलना चाहेंगे शॉर्टकट में बोल बस मैं दो लाइन रखा हूँ मेरा दोस्त लोग बहुत बार मुझे पूछा था क्या बनना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं भाई मैं अपना जंगल में ज़िंदगी चलाना चाहता हूँ बस मेरा जंगल तो कोई पूछेगा मेरे को दोस्त लोग आके तुम तो बाप का जंगल है क्या हम तो बोले बाप का नहीं बेटा मेरा जंगल है हम खुद बनाया तो उसी के लिए मैं मेनली हूँ अपना जंगल तो उतना आसान नहीं है और खाली जंगल करने से कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं अगर एक एकड़ जमीन है तो उसमें थर्टी थ्री परसेंट मैं जंगल करूंगा और बाकी इसमें कुछ गाय रखूंगा कुछ कुकड़ा रखूंगा और कुछ बकरी रखूंगा और सब्जी कुछ रखूंगा ताकि मेरा घर एक एकड़ में सब कुछ मेरे को जो चाहिए नाइन्टी परसेंट मेरे को निकल जाएगा और इसे अगर किसी का दस एकड़ है या अपना घर का हो गया और पचास फैमिली को या सौ फैमिली को दे सकते मैं पचास फैमिली क्यों बोला हूँ दस एकड़ के लिए क्योंकि उसमें कुछ लोग काम करने का उसका भी घर चलेगा कुछ मदद करने वाले है उसको भी घर चलेगा तो उसी के हिसाब से दस एकड़ जमीन है वो पचास फैमिली को पाल सकते पूरा जिंदगी भर के लिए तो वो हिसाब से मैं करना चाहता हूँ আপোনাৰ প্ৰতীক শুনোঁতে যে তাৰ কহা কথা হ'ল যে সেই নিজৰ জংঘলে বঞ্চিবে নিজৰ জংঘলে যোন সবুকি মিলিব সেইবা এম ৰখিছিল যেমি আজিকালি ডেটে যি মানে ভাল পাঠ পঢ়া বড় পাঠ পঢ়িকি বৰ মনছ হুঁহি বৰ চাকৰি কৰ বহুত দৰমা মিলে সমস্তে সুখৰে ৰহঁতে বুলি অনুমান কৰোঁ এই এমি পিলা যিয়ে কি পাঠ পঢ়ি বৰ চাকৰি নকৰি নিজে জনে চাছী হেবোৰ মনস্থ কৰোঁ চাছি চাছৰু মুহ মোডু সেই জনে এন আই টি পাছ পিলা নিজে আছ কৰ রাউকু উকা প্রসঙ্গ গণেশ সাউক পবন্ত্ত্বারী ওটিভি